आखें ईश्वर आखें सिद्ध आखें केते कीते बुद्ध आखें दानव आखें देव आखें सुर नर मुन जन सेव केते आखें आखण पाहें केते कह कह उठ उठ जाहें एते कीते होर करें ता आख न सकें केई के जे वड पावे ते वड होए नानक जाने चाचा सोए जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार सो धर के हा सो कर के हा जित बै सर्व संभाले। सत्संग ते जिहड़ी पौड़ी है ये तीन वारी आउंदी है, जपजी साहिब च आ रही है, फिर रैरास विच आएगी, फिर आसा राग दे आरंभ च आएगी। कई बार तुहानू कोई पुछेगा भी ये तीन वारी आई है इसका की मतलब है, मतलब तो महाराज समझते हैं तो सानू भी समझा रहे ने, पर जिहड़े इस दे विच अंतर ने वो इसलिए ने कि बहुती बारी जदों मैं तो कई बार तजर्बा किया भी असी मूँह जबानी पाठ करते हैं कंठागर तो की होंगे कि जपजी साहब पढ़ते हुए सोदर में जा पहुँचते हैं, तो कई बार सोदर का पाठ करते हुए जपजी साहब पहुँच जाते। महाराज ने ये छोटे छोटे लगभग 45-46 अंतर रखे ने, वो सानू सावधान करते हैं कि असी ध्यान ना पाठ करिए। हालांकि गावें तो गावन विच कोई अंतर नहीं, अर्थां विच तुदनू ते तोनू विच अर्थां कोई अंतर नहीं, पर जे असी जपजी साहब का पाठ कर रहे हैं तो सानू जपजी साहब विच ध्यान रखना चाहिए। अर्थां विच गावें गावन तुदनू तोनू कोई बहुता फर्क नहीं हैगा, कोई भी विद्वान अर्थ करे ही करेगा भी गाँवदे हन तुदनू तैनू तोनू तैनू, तो यह ध्यान रखना है। कुछ ये बहुवचन के एक वचन की भी सेध मिलेगी, वो तुहानू उत्थे दसी जाएगी। सो दर के हा सो कर के हा जित बै सर्व संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वामण हारे केते राग परी चो कईयन केते गावण हारे गावें तोनों पौन पाणी बहसंतर गावै राजा धर्म दुआरे। हुण इत्थों सेध लै लो, जिथे एक दी गल आ रही है उत्थे गावै है, जिथे बहुतियां दी गल आ रही उत्थे गावें है। उहदे स्पैरंग ने गगे नूं गा करना बब्बा हाए नूं हिस्सियारी, ते जिथे राजा धर्म धर्म दे मम्मे नूं मौंकड़ है वह एक वचन है, इस लई उत्थे गावै है, जिथे बहुतियां दी गल है उत्थे गावें। गावें चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावें ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावें इंद इंदा तन बैठे देवत्यां धर नाले गावें सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावें वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावें मोहनिया मनमोहन सुरगा मच पै आले गावन रत्नो पाए तेरे अठ सड़ तीर्थ नाले गावें जोत महाबलसूरा गावें खाणी चारे गावें खंड मंडल वरभंडा कर कर रखे धारे से ही तुदनो गावें जो तुद भावन रते तेरे भक्त रसाले। हुण देखो कुछ अखर ऐसे ने जेडे जपजी साहब च आउणगे फिर अगे भी आउणगे। खाणी चारे, चार खाणियां कहिड़ियां हन? परमेश्वर दी इस बनाई हुई रचना नूं सियाणियां ने चार खाणियां विच वरते वंडिया। एक है अंडज, अंडे तो जन्म लैण वाली, जेरज, जेर तो जन्म लैण वाली, सेतज, सेत कहते पसीने नूं, पसीने तो जन्म लैण वाली, उत्पुज, जितनी बनस्पति है जिन्हों का मूल सिर थले ते बाहां उपर ने उत्पुज ने।
ये चार खाणियां हुण एक वारी तुहानूं पता लग गईआं। जिथे भी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का पाठ करदे आ आएगा तुहानूं फट पता लगदा वी ये चार खाणियां। इसे तरह चार बाणियां हन, परा, पसंती, मधमा, बैखरी। तो इन्हां दे अर्थां दा जानकारी होनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि असी पाठ नूं समझना है भी महाराज इत्थे किस प्रथाए कह रहे ने। तो जदों सानूं इन्हां दे मूल बुनियादी अर्थ उचारण समझ आ जाएगी, फिर अगे पाठ की स्पीड भी वधेगी, लय भी वधेगी, आनंद भी वधेगा, क्योंकि सानूं पता लगन लग गया भी आ बाणी विच लिखिआ है। तो महाराज फरमांदे ने, गावन रत्न पाए तेरे अठ सड़ तीर्थ नाले, गावें जोध महाबल सूरा, गावें खाणी चारे, गावें खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे धारे। हुण सारी सृष्टि नूं वरभंड या ब्रह्मंड कहा, उहदे अगों नौ खंड हन, उहदे अगों मंडल हन। तो महाराज कहिंदे सारे तुहानूं गा रहे ने, गावें खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे धारे। सेई तुदनो गावें जो तुद भावन, रत्ते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन, से मैं चित ना आवन। हुण से मैं इकट्ठा नहीं कहना, से दा मतलब ओ, मैं मैनू, चित तत्ते नूं सिहारी है, मेरी याद विच नहीं आ रहे। होर भी कितने ही हन जिहड़े गा रहे ने, कोई सीमा नहीं बन दित्ती भी इन्ने मैं कह दिंदे ही ने, नहीं। होर केते गावन से मैं चित ना आवन, नानक क्या विचारे। इत्थे हुण दूजी वारी नानक दे कके नूं औंकड़ आया, ते इस नूं नानक क्या विचारे कट्ठा बोलना, नानक ते रुकना नहीं हैगा। सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई। ये विश्राम आम तौर ते बहुत गलत लाया जांदा, पढ़न ते समझाउण दे बावजूद भी ये गलती नहीं हटती, क्योंकि असी अर्थां वल ध्यान नहीं दिंदे। फिर ध्यान दिओ, सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई। है पी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंग भांति कर कर जिन सी, माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता आपना, जिव तिस्ती वडियाई। हुण देखो, रंगी 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 रंगी, वख वख रंगां विच, वख वख भांतां किस्मां विच, और वख वख जिनसां विच, पर सारी रचना नूं समुचे तौर ते माया कहा है। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिनू पाई, कर कर वेखै कीता आपना, जिव तिसदी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी, हुकम न करना जाई। सो पातशाह शाहां पात साहिब, नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख सरम पद झोली, ध्यान की करें विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत। ये विश्राम भी आम तौर पर गलत पक गया, क्योंकि अर्थां दा ध्यान नहीं हैगा। सारे पढ़ने जुगत डंडा प्रतीत, नहीं। फिर एक बारी ध्यान नाल सुनो, खिंथा काल कुआरी काया जुगत, डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुगे को भेष। भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजै नाद। आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरा साध। संजोग विजोग दोए कार, ये जिहड़ा दोए है इसनू संजोग विजोग दे नेड़े रखना। संजोग विजोग दोए कार चलावें, और ये कार कहड़ी है, जिहड़ी परमात्मा दी ये रचना खेड है, ये इन्हां दो अखरां उत्ते आधारित चल रही है।
किधरे बिछोड़ा हो रहा है किधरे मेल हो रहा है। संजोग विजोग दोए कहर चला हुए लेखे आवे भाग आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। इनू भी आम तौर ते व्याई पढ़िया जांदा जदों के व्याई ना तो उच्चारण है ते ना ही अर्थ बनते ने। यह है व्याई जिदा अर्थ है प्रसूता होई डिलीवरी होई। साढ़े आम हरियाणे विच किसी दे मज गां सूए तो कहें मारे महस व्याई है। इत्थे भी माई माया दी गल है जो जुगती से प्रसूता होई है। एका माही जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीबान। जीव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान। देखो गुरु पातशाह सहजे सहजे उन्हां प्रचलित भरमां दा खंडन भी करदे ने, पर ओह तां होवेगा जे असीं अर्थां वल ध्यान देंगे। महाराज कहंदे ने कि हिंदू मत दे मुताबक वो एक माई माया मनते ने और वो माई माया दे तीन प्रमाणिक चेले मनते ने ब्रह्मा विष्णु महेश, पर वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते। उस परमात्मा दे हुक्म तो बिना कख नहीं कर सकते। जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै पुरमान। ओ वेखै ओना नदर न आवै बहुता एह विडान। हुण इत्थे जिथे उड़े दा मूँह खुला आएगा सारे गुरु ग्रंथ साहब च नियम लागू रहेगा। ये होड़े की आवाज़ देगा ओ वेख है ओना नज़र ना आवे। ओ वेख है ओना नज़र ना आवे बहुता एह विडान। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे कोवेश। आसन लोए लोए पंडार जो किछ पाया सोए कावार। कर कर में कै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे कोवेश। एक दू जीबों लख होए। हुण देखो इत्थे दो आए ने इनू होए हो जान। एक दू जीबों लख होए लख होवै लख वीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। एत राह पत पवड़ियाँ चढ़िया होए इक्कीस। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस। आखण जोर चुपै न जोर जोर न मंगण देन न जोर। जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राजमाल मन शोर। इनू शोर नहीं कहना शोर। जेड़ी राजमाल दा शोर है फूफा है हंकार है। जोर न राजमाल मन शोर जोर न सुरती ज्ञान विचार। जोर न जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए। नानक उत्तम नीच न कोए